मैं आपको शो में मेरी दो तीन दफा आप पे नजर पड़ी, आप खो जाते हैं। जो लिखने वाला एक पर्सन होता है ना, वो हमेशा इमेजिनेशन में रहता है। क्या और बारे? आपके लिए लिखे लाएंगे तो आपको देख के मैं इमेजिन करी थी आपको कैसे सुनाऊंगी। आपके तमाम जो ड्रामाज हैं, आपके कैरेक्टर्स हैं, उनको मैंने मिक्स करके आपके लिए एक गजल, एक नज्म लिखी है। अच्छा? आपके तमाम मद्दाह जिन्होंने आपके तमाम सीरियल्स देखे हैं, और आप भी, आपका यही काम है अपने अपने ड्रामाज और अपने कैरेक्टर्स के नाम आइडेंटिफाई करने इसमें से। क्या बात। तेरे दीदार की हसरत हमें यूं खींच लाई है, कि संग अपने नजर करने को चंद आशार लाई है। मुश्क आदम से दरो बाम महके जाते हैं, लफ्ज इनकार से सफाक सहमे जाते हैं। गुले राना हो कि ताबीर हो या शहरे नाज, झुक के अफलाक कहें खूब हैं तेरे अंदाज। मैं बस इतना कहूंगी कि मोहब्बत आग सी है। अच्छा? जिसे तुम इश्क हो समझे महज एक दिल लगी है। अलिफ अल्लाह में रानी से जो शामू न मिले, कहीं सिसकियां सुने और कहीं दीप चले। क्या कहने? और तेरे नाम से जलती रहे शमाए दिल, लोग सहराओं में करते फिरे रक्से बिस्मिल। और किरदार वो टीपू का निभाया तूने, कैसे बनता है अदाकार बताया तूने। दिले वीरान में कैसी तूने हिद्दत भर दी, होके शहदाई फिरू रांझा रांझा कर दी। बदगुमानी से तेरी दिल का बुरा हाल बना, वसल में बुनती रही और हिजर जाल बना। तेरी चाहत में हम बदनाम बने आम हुए, आग बदले की लगी और नमक हराम। ऐसा ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं रोते, सब रोते भी रोते हैं। आपने आज मेरी बर्दाश्त को चैलेंज किया, मैं रोते रोते रह गया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुश रहे।